अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका प्यारा दोस्त तैयब रजा कालो। आज का हमारा ब्लॉग बहुत खूबसूरत और प्यारा बनने वाला है, क्योंकि मैं अभी पलंगा जा रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आपको पलंगा शहर पसंद आएगा। पलंगा शहर लिथुआनिया का एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारा शहर है और मैं आपको आज पलंगा सिटी का विज़िट करवाऊँगा और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। चलें पलंगा चलते। अभी बारिश हो रही है और मौसम बहुत खुशगवार हो गया है। मेरे ख्याल के मुताबिक 5 या 10 मिनट तक हम पलंगा पहुंच जाएंगे। मैं अभी पलंगा शहर पहुंच चुका हूं और थोड़ी देर बाद मैं वाकिंग स्ट्रीट पे जाता हूं, फिर आपको दिखाता हूं। बहुत ही खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत ही खूबसूरत, और आप ये देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है। ये पैदल चलने वालों के लिए वॉकिंग स्ट्रीट है और बहुत ही खूबसूरत बनाई हुई है, और यहाँ पर बहुत से खूबसूरत कैफ़े हैं और बहुत से खूबसूरत रेस्टोरेंट हैं, और यहाँ पर टूरिस्ट की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। विंटर में थोड़ी सी कम होती है, मगर गर्मियों में टूरिस्ट की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये एक बहुत ही खूबसूरत शहर है और इसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है और आप इसकी खूबसूरती देख सकते हैं।
भूख बहुत ज़्यादा लग गई थी, मैंने एक रेस्टोरेंट तलाश किया है और वहाँ जाकर खाना खाता हूँ और रेस्टोरेंट बहुत खूबसूरत और प्यारा है। आप देख रहे हैं बहुत प्यारी सी तस्वीरें हैं और ये एक देखें, एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा खरगोश है। और मैंने राइस और पिज़्ज़ा और सालमन फिश ऑर्डर किया और साथ मैंगो जूस। खाने के बाद फिर बाहर जाता हूँ। लोगों की बहुत बड़ी तादाद आई हुई है अभी भी समुंदर पर, आप देख रहे हैं। मौसम बहुत ज़्यादा टेरिबल है। ये देखें, क्या खूबसूरत नज़ारा है। तेज हवा चल रही है, बहुत तेज।